हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का जो दिन है ना, वो खास के साथ साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज आज जो है वो मैं फर्स्ट टाइम वर्धन के बॉर्न के बाद अपने वर्क प्लेस पर वर्क के लिए जा रही हूँ, वर्धन को घर पे छोड़ के मेरे मम्मा के पास। आई नो जो भी मम्मा है उन सब के लिए हार्ड है, और मतलब मिक्स फीलिंग है। मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैं अपने वर्क पे वापस जा रही हूँ और अपने करियर पे भी मैं फोकस कर पा रही हूँ, बिकॉज वर्धन अब बड़ा हो रहा है। और साथ में थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि यार कैसे होगा, वो कैसे रहेगा, बिकॉज उसको उठते ही मम्मा चाहिए, सब कुछ मम्मा 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 करता है। बट मैं मम्मा के घर हूँ, मम्मा की भी मम्मा यहाँ पर अवेलेबल है, सो कोई टेंशन की बात तो नहीं है। बट जो भी एक मॉम होती है उसके मन में तो बहुत सारे ख्याल आते ही रहते हैं। माई प्रोफेशन, आई एम एन टीवी एंकर, और मैं एंकरिंग करती हूँ टीवी शोज़ वगैरह में। और मेरा जो वर्क है ना, वो मेरे पे डिपेंड रहता है, लाइक मैं कितने टाइम में शूट अपना कंप्लीट कर देती हूँ और कितने टाइम में मुझे फ्री होना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी, ताकि मैं जल्दी से जाऊँ, जल्दी से शूट करूँ और जल्दी से फ्री होकर वापस आ जाऊँ। तो मेरा माइंड में सेट यही है कि मैं फटाफट से जाती हूँ, फटाफट से शूट ख़त्म करके वापस आ जाती हूँ। तो आफ्टर 2 ईयर, ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी का 1 ईयर और वर्धन को हो गए 1 ईयर और ऊपर से भी 2-4 महीने आसपास, तो 2 साल के बाद कैमरा फेस करना है, स्टूडियो में जाना है, तो उसकी एक्साइटमेंट भी है और वर्धन को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन भी है। सो देखते हैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं आज का दिन। सो आप मेरे साथ पूरे दिन बने रहिएगा। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी वर्धन सोया है, तो मैं फटाफट से नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। सो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ फ्रेशन अप होकर, और मुझे मेकअप वगैरह वहाँ पर जाकर ही कराना है। सो अभी जस्ट मैंने स्किन प्रेप किया है, सो मैं आपको वर्धन को दिखा तो मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा है उसे छोड़कर, बट मुझे 11 बजे पहुँचना है, अभी 10:30 हो गए हैं, तो मैं फटाफट से निकलती हूँ, एक बार आपको वर्धन को दिखा देती हूँ। क्यूटी बोबो, लव यू बेबी, मामा गोना मिस यू माय शोना। फटाफट से मामा शूट करके वापस आ जाएगी। हाँ, लव यू। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे स्टूडियो और अब होने जा रहा है मेरा मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मेरा मेकअप हो चुका है डन, आप देख सकते हो कितना प्रीटी मेकअप किया है काव्या ने, थैंक यू काव्या। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। ऐसा दिखता है अंदर से हमारा स्टूडियो, एक्चुअली अलाउड नहीं है स्टूडियो के अंदर कुछ भी शूट करने का, बट जितना मुझे अलाउड था उतना मैं आपको दिखा पाऊँगी। लंच ब्रेक पे हम आ गए थे लंच करने के लिए हमारे ऑफिस कैंटीन में, उसके बाद मुझे जाना था फटाफट से घर, बिकॉज मुझे और भी आउटफिट्स लाने थे, शूट बहुत लंबा चलने वाला था, तो मैंने फटाफट से लंच कम्प्लीट किया और घर के लिए निकल गई। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ऑफिस है ना, वो घर से ऑलमोस्ट 5, मेरे मम्मा के घर से ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes का है, तो मैं फटाफट से घर आई और मेरे वर्धन से भी मिली, तो अच्छा लगा। अभी वो तो मुझे फुल ऑन इग्नोर कर रहा है, पता नहीं उसको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मम्मा मुझे सुबह उठाने से लेकर अभी तक कहाँ थी तुम, कहाँ गायब हो गई थी, तो वो मुझसे नाराज़ लग रहा है। बट कोई नहीं, अभी मुझे और वापस जाना है और देखते हैं अभी आज का दिन कैसे मैनेज होता है। मुझे तो लगा था कि वर्धन मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, बट वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा था और मुझ पर गुस्सा कर रहा था, आप देख ही सकते हो।
सो मैंने फटाफट से चेंज कर लिया है और अभी मुझे फटाफट से भागना पड़ेगा ऑफिस के लिए, क्योंकि वहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मिलता है ऑफिस। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि वर्धन मुझे फुल ऑन इग्नोर और गुस्सा कर रहा था, बट जैसे ही मैं निकलने वाली थी उसको अचानक से मुझ पर प्यार आ गया और मुझे हग करने लगा, किस करने लगा, और मुझे भी ऐसा लगा कि यार इसको छोड़ के मुझे नहीं जाना है, बट ऑफिस से कॉल आ रहे थे तो मुझे फटाफट से निकलना था। वर्धन मुझे जाने नहीं दे रहा, वो जीत कर रहा है मुझे मेरे साथ आने के लिए। आप देख सकते हो, तो मैं उसको नीचे ले जाकर एक्टिवा में एक चक्कर लगा कर फिर मैं ऑफिस चली जाऊंगी, ठीक है वर्धन? ओके। उसके बाद फटाफट से मैं पहुंच गई ऑफिस। वहां पर जाकर मैंने थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह किया और शूट स्टार्ट हो चुका था और शूट किया, और शूट करने के बाद मुझे मिला थोड़ा टी ब्रेक, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई नज़र आ रही होगी आपको। चाय पीते पीते की हमने चीट चैट, बहुत ज़्यादा पुराने फ्रेंड्स और स्टाफ वगैरह मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और थोड़ा जो मेरा मूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश हो गया था, बिकॉज मेरा जो डेली रूटीन है उससे मैं बाहर आकर कुछ अलग कर रही थी, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ऑफिस में सबसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सब लोग वर्धन को बहुत ज़्यादा याद करके उसकी तारीफ़ कर रहे थे, तो वो भी सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद शूट स्टार्ट हो गया था, जिसको ख़त्म करते करते मुझे बच गए थे ऑलमोस्ट 5:30-6। फाइनली पैकअप हो चुका है एंड अभी मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ घर, बिकॉज मुझे वर्धन की बहुत 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 याद आ रही है, और ऑलमोस्ट 6:00 बज चुके हैं, तो फटाफट से जाना है घर। सो गाइज, अभी तो मैं घर पे नहीं गई हूँ, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग आए हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है और भूख इतनी ज़्यादा लगी है, बिकॉज मैंने लंच इतना प्रॉपर किया नहीं था, और फटाफट से करके मैं घर निकल गई थी, बिकॉज मुझे वर्धन की याद आ रही थी, प्लस वो तब उठा ही था, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ तो थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तो इसी वजह से मैंने लंच भी प्रॉपर नहीं किया, और बस अभी हम लोग कुछ खा कर फिर घर जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सबको लग रहा होगा कि ये मेरी परमानेंट जॉब है और मुझे रोज़ आना जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग वर्क कर रही हूँ विथ माय कंपनी, और यहाँ पर कैसा होता है कि इट्स डिपेंड ऑन मी कि मुझे कब शुरू करना है और कब जाना है कब नहीं, तो बस ऐसे ही मैं वर्क कर रही हूँ बिकॉज ऑफ वर्धन। मैं परमानेंट तो नहीं कर सकती अभी कंटिन्यू, वीक में एक दो बार होगा या फिर वीक में 3 बार भी हो सकता है शूट, तो जैसे उनका कॉल आएगा उस हिसाब से मैं अपना मैनेज करके उनको बता दूँगी, उस अकॉर्डिंग शूट होगा। तो यस, ऐसे ही मैं वर्क करती हूँ एज एन एंकर, और मुझे टाइम भी मिल जाता है मेरे लिए, और मैं अपना करियर पे भी फोकस कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक या फिर इस वीक में भी मुझे मैनेज होगा तो मैं शूट के लिए जाऊँगी। तो अभी तो हम लोग कुछ खा कर फिर घर जाएंगे जल्दी से वर्धन के पास। और खाना खाते खाते की हमने बहुत सारी गॉसिप, ऑफकोर्स सिस्टर है तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना तो बनता है, तो बहुत सारी बातें की और अपना फूड एंजॉय किया, और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। घर आई तो मुझे देखकर तो वर्धन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, और उसको पता चल गया था कि अब तो मम्मा कहीं नहीं जाने वाली, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खेलने लगा था और अपनी नानी को थैंक यू बोल रहा था, और मैं भी मम्मा को बहुत बहुत सारा थैंक यू बोल रही थी कि उन्होंने वर्धन को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और उसको मम्मा की बिल्कुल भी याद ना आए, इस तरीके से उसको पैम्पर किया। सो थैंक यू मम्मा पापा, यू आर द बेस्ट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव यू। सो गाइज़, मैं फ्रेश एंड अप हो चुकी हूँ, और आप सबके साथ एक और बात शेयर करनी थी कि वुमन की जो बॉडी है ना, वो आफ्टर बेबी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, वो तो मैंने आज यू नो फील कर ही लिया, बिकॉज पहले की जो मेरी एनर्जी थी और अभी की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, लो फील कर रही हूँ, बट पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले तो मैं घर आकर भी यू नो फुल ऑन एनर्जी में रहती थी एंड ऑल, बट
आज मैंने जाना कि माँ बनने के बाद नेचर के साथ साथ बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। एंड आप सबको बता दूँ कि बिग बिग सैल्यूट है उन लेडीज़ को जो अपने बेबी को 8-8 घंटे के लिए जॉब के लिए छोड़ के जाती है और फिर घर आकर वापस घर का सारा काम करती है। बिग सैल्यूट है उनको, बिकॉज मेरा क्या है कि मेरा जो ऑफिस है वो मम्मा के घर से ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट्स का है, तो मैं अपना बेबी यहाँ पर छोड़कर जा सकती हूँ। हालांकि घर पे जाकर मुझे भी वर्क तो करना ही करना है, बट एक इजी टास्क ये रहता है कि माइंड से थोड़ा हम फ्री हो रहते हैं बिकॉज मम्मा की भी मम्मा अवेलेबल रहती है। तो और दूसरी बात ये कि जो मेरा ससुराल है ना, वो मेरे मम्मा के घर से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर है, तो मेरे लिए वहाँ पर जाकर ये टफ रहेगा कि वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना और यहाँ पे वर्धन को रख कर वापस ऑफिस जाना, ऑफिस जाकर शूट वगैरह ख़त्म करके वापस आकर वापस 1 घंटे ट्रैवल करके ससुराल जाना, तो थोड़ा बहुत टफ तो रहेगा। बट मेरे इन लॉज काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट तो भी थोड़ा लोड रहता है, बट कोई नहीं, हो जाएगा मैनेज। अभी मैंने स्टार्ट तो किया है, तो देखते हैं आगे। और बस यही था आज के ब्लॉग में। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। ऐसे होता है मेरे स्टूडियो में काम और यही होता है मेरा वर्क जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। हो सके उतना मैंने कैप्चर करने के ट्राई किया है और दिखाने का ट्राई किया है। होप सो ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, और ऐसे ही मेरी चैनल को और मुझे, मेरे बेबी को प्यार करते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।